गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस रिलेटेड टर्म्स ऑफ फ्रेजेस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ थॉट इन फ्रंट ऑफ यू। टुडेज थॉट इज दैट फ्रेंड्स, इफ यू हैव स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, यू विल डेफिनेटली रीच देयर लेटर और सूनर। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, अगर आपने अपनी डेस्टिनेशन की ओर, अपनी मंजिल की ओर चलना स्टार्ट कर दिया है, तो आप एक ना एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। हो सकता है थोड़ा अब यहाँ जल्दी पहुँच जाए दूसरों की तुलना में, या थोड़ा सा लेट पहुँचें इन कंपैरिजन ऑफ अदर। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हमने अगर चलना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेंड्स ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हो सकता है हम और लोगों की तुलना में या तो जल्दी पहुँच जाए या फिर थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। इसी हौसले के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है आगे की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स जो है। पहला आप देख सकते हैं, डी टर्म पोएटिक जस्टिस वॉज कॉइंड बाई, किसके द्वारा कॉइन किया गया है, टॉमस रायमर के द्वारा कॉइन किया गया है ये पोएटिक जस्टिस। तो गुड फॉर गुड और बैड फॉर बैड बोला जाता है इसमें, यानी कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, ऐसे बोल सकते हैं। गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड एंड बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड, ठीक। तो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा इसको। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म स्प्रंग रिदम वॉज कॉइंड बाई, किसके द्वारा कॉइन किया गया है, जिम हॉपकिंस के द्वारा कॉइन किया गया है ये पाइड ब्यूटी करके, उनमें उसमें इन्होंने स्प्रंग रिदम का यूज़ कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइन है, अगर एक लाइन की बात करें, तो लाइन में जो पहला जो सिलेबल है वो क्या होता है, वो स्ट्रेस्ड होता है। उसके बाद जो और सिलेबल आते हैं वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो कह सकते हैं कि स्ट्रेस्ड सिलेबल इज़ फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, एक से ज़्यादा जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हैं उनके द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड डिटेल में जानकारी चाहते हैं, ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, हम डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन लेके दूसरी वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कॉइंड बाई, कर्टल सोनेट किसने कॉइन कर रखा है, तो ऑप्शन से आपके पास हैं, आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जीएम हॉपकिंस ने ये कॉइन कर रखा है, जेरार्ड मेनले हॉपकिंस करके इनका फुल नेम है, और ये 11 लाइन्स का होता है ये सोनेट, ठीक है, कर्टल सोनेट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इगोस्टिकल सबलाइम वॉज कॉइंड बाई, वी हैव 4 ऑप्शन है, सो जॉन कीट्स विल बी द करेक्ट आंसर। जॉन कीट्स ने ये टर्म कॉइन कर रखा है, किसके लिए किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किया था। तो जॉन कीट्स रोमांटिक एज के हैं, ये तो आपको पता है ही। नेक्स्ट, द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वॉज कॉइंड बाई, इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी बना किया क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, आप चेक कर सकते हैं। लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, 190 के आसपास वीडियोज़ अवेलेबल हैं आपके लिए वहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो आपको देखनी है जिस टॉपिक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको नहीं मिलती है उससे रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पे, जो टॉपिक आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, तो आईए रिचर्ड्स हैं। नेक्स्ट, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइंड बाय, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा कॉइन की गई है, तो आप सभी लोग जानते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल दैट जॉन कीट्स के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड है, किसने कॉइन कर रखे हैं, इसी से रिलेटेड हमने ये वीडियो बना रखी है स्पेशली। द टर्म टच स्टोन मेथड वॉज कॉइंड बाय, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड के द्वारा ये कॉइन किया गया है, विक्टोरियन एज के हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड आपको पता है फ्रेंड्स, 1837 से क्या है 1901 तक क्वीन विक्टोरिया का शासन चलता है यहाँ पे। द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वॉज कॉइंड बाय, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंटोनिन आर्टोड के द्वारा ये कॉइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, द टर्म एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस टर्म हैज़ बीन कॉइंड बाय, किसके द्वारा कॉइन किया गया है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस करके, तो हैरल्ड ब्लूम करके हैं ये, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हु कॉइंड दी कॉइंड दीज टर्म्स
ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, किसके द्वारा ये कॉइन किए गए हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपको पता है, और दूसरा टर्म यहाँ पे है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, थर्ड है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो दिस टर्म्स हैज़ बीन कॉइंड बाय टी एस एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट बोल सकते हैं, जो कि वेस्टलैंड के लिए फेमस है। 1922 में पब्लिश हो रखा है, जो कि 5 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, शॉर्ट वीडियो है लेकिन हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।